नहीं पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हम तो इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं, तो नहीं पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए इनको छोटे कपड़े। क्यों पहने, क्यों पहने छोटे कपड़े? क्योंकि हम तो जानवर हैं ना, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति कहां है, ताकत कहां है? हमसे अगर गलत हो गया तो, अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो, और वैसे भी छोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है इनको? छोटे कपड़े तो वो लड़कियां पहनती हैं, वो औरतें पहनती हैं जिनका कैरेक्टर ढीला होता है। अगर अपने आप को पूरा ढक लिया तो कैरेक्टर सही, अगर अपने आप को ढक नहीं पाई तो कैरेक्टर ढीला। और पता है छोटे कपड़े पहनने का मतलब क्या होता है? मतलब वो तुम्हें बुला रही है, उकसा रही है, इन्विटेशन दे रही है, हैव सेक्स विद मी, और अगर मैं थोड़े भी भाव खाऊं ना तो रेप कर देना मेरा। अब तुम्हारे पास एक्सक्यूज है, तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन है कि मैंने छोटे कपड़े पहने थे यार, मेरा कैरेक्टर ढीला था, मैं ही तो उकसा रही थी, मैं ही तो बुला रही थी। रियली क्या आपको पता कि देश के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में, हर जगह मासूम बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ रेप्स होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है? और इसलिए नहीं होता कि उन्होंने कपड़े कितने पहने, इसलिए होता है कि हमारी घटिया सोच, हमारी दरिंदगी वाली सोच, हमारा मानसिक रोग आगे आता है। और कहां रुकेगी ये दरिंदगी वाली सोच, ये मानसिक रोग कहां जाके रुकेगा, कहां जाके थमेगा? बड़े शहरों में मिनी स्कर्ट्स नहीं पहननी, छोटे शहरों में जीन्स नहीं पहननी, स्कर्ट नहीं पहननी, और कुछ देशों में तो इंतहा, चेहरा भी नहीं दिखाना, कोई यंग तो दिख जाए। कहां रुकेगी ये सोच, कहां रुकेगी ये जस्टिफिकेशंस, ये एक्सक्यूजेस? क्या इतनी एजुकेशन के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद, इतनी तरक्की के बाद, स्पेस में जाने के बाद, उड़ने वाली कारों को सच होते हुए देखने के बाद भी क्या हम यही सोच रखेंगे और जस्टिफिकेशन देते रहेंगे? बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। मैं पूछता हूँ, उस कल्प्रिट कौन है गुनेगार? वो लड़की, वो औरत जो कम कपड़े पहन रही है, या वो लड़का या वो आदमी जो उस लड़की या औरत को जज कर रहा है कपड़ों से? उसकी नजरें गंदी हो जाती हैं जैसे कपड़े छोटे होते हैं, अच्छी हो जाती है जैसे कपड़े ढक जाते हैं। रियली ऐसे नहीं समझोगे। एक बात बताओ, कौन है गुनेगार? वो जो फाइनेंशियल स्कैम्स करता है, या RBI जो नोट छापती है? और आपके सामने एक ATM मशीन है और उसमें 2000 रुपए के नोट भरे पड़े हैं, तो क्या उसको तोड़ दोगे मशीन को, सारे पैसे लूट लोगे? या ये डिसाइड करोगे 2000 के नोट है तो लूट लूंगा, 100 रुपए के हैं तो छोड़ दूंगा, तो पूरे कपड़े पहने हैं तो छोड़ दूंगा, और अगर कम कपड़े पहने हैं तो राक्षस बन जाऊंगा? अगर किसी ने ऑर्नामेंट्स पहने हैं, किसी ने ज्वेलरी पहनी है, सोना पहना है या चांदी पहनी है, हीरे पहने, तो क्या उसको स्नैच कर लेगा इंसान, क्या चोरी कर लेगा जस्ट बिकॉज वो दिख रहा है एक्सपेंसिव सामने? तो क्यों ये चोरी को जस्टिफाई नहीं करते फिर हम, कि भाई इतने एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स पहने थे, चुराएंगे ही लोग, उनको लालच तो आएगा ही, क्यों ये जस्टिफिकेशन वहां नहीं आती है? कभी सोचा है? और मान लो अगर लड़की लुभा रही है, अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लुक गुड, शी वॉन्ट्स टू लुक सेक्सी, शी वॉन्ट्स टू गेट द अटेंशन, तो उसका रेप कर दोगे, उसको स्लट मान लोगे, उसको छेड़ोगे? तो फिर तो किसी को पोर्श या मर्सिडीज या जगुआर नहीं चलानी चाहिए ना, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे लोग जाके उस ड्राइवर को बाहर निकालेंगे और खुद गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। गाड़ी अच्छी है भाई, मेरी गलती थोड़ी है, तुमने इतनी फ्लैशी कार चलाई मेरे सामने, अब मैं कार ड्राइव करूंगा। पहले लड़कियों को बोझ मानो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, उनको सरप्रेस करो, ऑप्रेस करो, उनको एक्सप्लॉइट करो, और फिर जब वो इतना बोझ लगने लग जाए तो उनको पैदा कम करो, उनकी संख्या कम कर दो, और फिर जब लड़कों को, लड़कियां नसीब ना हो तो लड़कों को खुली छूट, तो उनको इन दरिंदों के हवाले कर दो, बिकॉज इट्स अ मेल थिंकिंग, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी विच जस्टिफाइज एवरी एक्ट ऑफ देयर्स। रेप करना क्या होता है? किसी को प्रताड़ित करना, किसी को हरास करना, किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना, उसकी जो प्राइड है उसको अपने पैरों से कुचल के दबा देना, और किसी भी इंसान को नंगा करके उस पर कोड़े बरसाए जाए, वो भी भरी सभा में, पब्लिक में, किसी मार्केट एरिया में, तो क्या बीतेगी उस पर? क्या हीन भावना नहीं जागेगी? ऐसे ही एक महिला के साथ जब उसको आप जज करते हैं उसके कैरेक्टर को, या उसके साथ बदतमीजी होती है, या उसके साथ बलात्कार जैसा कोई दुष्कर्म होता है, कैसे जस्टिफाई करेंगे इस सबको? बस ये बोल के कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, वो डिजर्व करती है? अरे जिसको किसी को छेड़ना होता, जिसकी गलत इंटेंशन होती है, जिसको अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं होता, उसको कपड़ों से मतलब नहीं होता, छोटे कपड़े हो चाहे बड़े, नहीं तो ये फोन सेक्स जैसी चीजें नहीं होती, ये मैस्टर्बेशन, इमेजिनेशन नहीं होती। मासूम बच्चों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स की खबरें हर रोज नहीं आया करती।
लड़कियों को उनके कपड़ों से जज करना बंद करो, उनके कैरेक्टर को डिफाइन करना बंद करो। अगर लड़कियां ब्यूटीफुल बनाई है भगवान ने, तो उनके सौंदर्य को, उनकी उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना सीखो। उससे उनके कैरेक्टर की मैपिंग मत करो, उससे एक्सक्यूज मत दो अपने आप को कि अब तुम्हारे पास हक है कुछ भी करने का। हम में से एक एक की सोच से हमारी सोसाइटी बदल सकती है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी, वो सेफ हो सकती है। और क्यों ढके वो अपनी सुंदरता को यार, तुम्हारी गंदी नजरों से बचने के लिए। एक लड़के के पास एब्स होती हैं, बाइसेप्स होती हैं, तो दुनिया जहां को दिखाता है, उसको क्यों नहीं ढकते हम? उससे उसके कैरेक्टर को जज क्यों नहीं करते हम? मस्कुलर बोलते हैं ना, पावरफुल बोलते हैं, वेट लिफ्टर, चैंपियन, वाओ मस्कुलर बॉडी, वाओ हिज फिजिक इज गुड, ही इज सो लीन, ये सारी चीजें बोलते हैं। ये बोलते हैं कि उसका कैरेक्टर ढीला है, इसका रेप कर दो। बरसात है समझ में आता है, ठंड है समझ में आता है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो स्किन को बचाने के लिए समझ में आता है कि कपड़े पहनो। पर किसी की गंदी नजरों से बचने के लिए क्यों कपड़ों का डिसीजन हो कि कम है या ज्यादा है? अगर है तो बंद कर दो ऑर्नामेंट्स पहनना, ज्वेलरी पहनना, गाड़ियां चलाना, बैंकों में पैसे रखना, या अमीर भी होना, कीमती मोबाइल रखना, घड़ियां रखना, सब बंद कर दो। क्योंकि पैसे हैं, अमीर है तो तुम्हें लूट लिया जाएगा भाई, तुम्हारी गलती है, तुम अमीर क्यों हो? फिर मत बोलना कि स्कैम क्यों हुआ, डकैती क्यों हुई, भाई छुपा के रखना था धन, तुम्हारी गलती है, जमीन में गाड़ के रखना था जैसे पुराने जमाने में करते थे। दोहरे मापदंड से बाहर निकलो। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही ना, तो जानवरों के कपड़े पहनाने शुरू कर दो, बिकॉज कुछ ऐसे दरिंदे हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो जानवरों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनकी भूख इतनी बढ़ जाती है कभी कभी। जागो और जगाओ, हमारे देश के हर कोने में कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई बच्ची, ये सात दुष्कर्म होता है, उसके कैरेक्टर को जज करा जाता है, उसको प्रताड़ित करा जाता है, उसको हैरेस किया जाता है, उसको बुली किया जाता है, उसको नजरबंद करा जाता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, बाहर निकलने नहीं दिया जाता, अपनी जिंदगी जिस पे सबका इक्वल अधिकार है उसको जीने नहीं दिया जाता। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे ना, और ये जस्टिफिकेशंस, एक्सक्यूजेस देने बंद कर देंगे ना, तो कई बच्चियां इन दरिंदों के हत्थे चढ़ने से बच जाएंगी। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी प्रोग्रेस, ये सारी तरक्की, ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मार्स में जाना, मून पे जाना, ये सब बेकार है मेरे भाई। अगर हमने अपनी सोच को ही नहीं बदला तो ये सब बेकार है। अगर मेरी बातों से थोड़ी भी जागरूकता पैदा हुई हो, अगर मेरी बातों में थोड़ा भी दम लगाओ, अगर थोड़ी भी सहमति रखते हो, तो वीडियो अभी, तुरंत अभी शेयर करना मत भूलो।